तुम भी पहनो, मैं भी पहनू, है ना। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे बैक साइड, जो उधर बहुत बड़ा स्टैचू बना है तो उधर की तरफ, तो अभी बाद में दिखाते हैं। चलिए यहाँ जाते हैं। तो ऊपर जाने से पहले यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्टली यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है 5 फ्लोर का है जिसपे अभी हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये है कि अलाउड नहीं है इस तरीके से कोई योगा मेडिटेशन या फोटोग्राफी या फिर किसी भी तरीके का कोई भी रील्स या फोटोशूट वीडियो वगैरह यहाँ अलाउड नहीं है। कोई भी एक्टिविटी करना यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर आपको नीचे ही बता दिया जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं 1st-5th फ्लोर पर एक्सप्लोर करने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी जो हम मैं दिखा रही हूँ, ये है यहाँ का 1st फ्लोर। यहाँ पर आपको काफ़ी एंटीक चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो एयर कूलर है, और पहले के टाइम का जो एक कूलर या एसी कुछ भी कह सकते हो, ठंडा करने वाला जो कहलाता था। तो ये सब चीज़ें जो रखी हैं वो एंटीक पीसेस हैं। यहाँ पर ये म्यूज़ियम के तौर पर यहाँ पर लगा दिया गया है, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि बहुत ही खूबसूरत है, इसको देखने पे लग रहा था। और सबसे अच्छी बात आप ये देख रहे हो ना, नीट एंड क्लीन, यहाँ पर इतना सफाई है। रेडी गाइस, आई लव दिस प्लेस। आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये जितना भी स्टफ है ये पुराना एंटीक है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इस देर इज लाइक अ म्यूजियम ही है 1st फ्लोर पर, एंड मेनी डिस्प्ले स्टफ्स यहाँ पर, काफ़ी फर्नीचर, स्टेचूज एंड और सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो। इवन जो पीछे की तरफ बैक पे जो ये कर्टेंस लगाए गए हैं, ये भी बहुत ही पुराने टाइम के हैं, और इतना नीट और क्लीन आप देख सकते हो यहाँ पर कि इतना सफाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का, मतलब एकदम, और ये इस तरीके की जो यहाँ पर ये आर्ट और कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया है इस पुराने टाइम का, और ये एंटिक वॉल है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही बड़ी थी, और इसके नंबर्स है ना बाहर की तरफ थे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इसके जैसे कि ये बनाया, और ये पूरा वुडन का बनाया हुआ है, इवन ये भी इसका वुड का है, और ये फर्नीचर आप देख रहे हो ये भी पूरा वुड का है, वुडन है पूरा, और अभी थोड़ा थोड़ा ये पॉलिश वगैरह यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर करते रहते होंगे, इतना टाइम से रखा हुआ है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का। तो अभी ये फर्स्ट वाला हम लोग फ्लोर पे थे तो म्यूजियम था, अब हम जा रहे हैं 2nd फ्लोर पर, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या है। तो ये भी यहाँ का 2nd फ्लोर ही है, जहाँ पर भी आपको एक म्यूज़ियम जैसे, यहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे स्टैचूज़ वगैरह मिलेंगे,
बुद्ध जी के आप यहाँ पर इतने डिफरेंट टाइप्स के काइंड ऑफ जो मिट्टी के हैं या फिर किसी भी मेटल के हैं आपको बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, यहाँ पर बताया था मैंने इसका, यहाँ पर कुछ पढ़ा था इसके बारे में, तो ये बताया कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने टाइम में यहाँ जो खुदाई के टाइम पर जो बहुत सारी जब चीज़ें यहाँ पर स्टैचूज़ वगैरह एंटी चीज़ें निकली थी तो वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर म्यूज़ियम के तौर पर यहाँ पर लगा दी गई हैं। और ये देखने में इतना एंटिक लग रहा था, तो मतलब आप जब यहाँ जाएंगे इनक्रेडिबल, मतलब कि आप सारी चीज़ें देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप कुछ अलग क्या देख रहे हो। तो यहाँ पर हर एक चीज़ थी, खाने पीने की पुराने टाइम का क्या था, पहनने का जो भी हो, या फिर आपकी हर एक चीज़ जो भी थी पहले आप क्या यूज़ कर रहे थे वो नहीं कर रहे थे जो भी, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, अगर आपको म्यूज़ियम या कोई पुरानी चीज़ें देखने का शौक़ है तो आप यहाँ पर ज़रूर बेशक आइएगा और इन चीज़ों को इन्जॉय कीजिएगा। तो जैसे कि ये आप जो पोजेस देख रहे हैं स्टैचू जो बुद्धा जी के हैं, ये दिए हैं डे बाय डे, यानी कि पूरा वीक में जो संडे टू सैटरडे जितने भी होते हैं उनके स्टैचू के पोजेस हैं उनके, मतलब ये पोज बनाए हैं। जैसे कि संडे का पोज अलग है मंडे, तो इसलिए जैसे ये है, ये ट्यूसडे का पोज है एंड ये वेडनेसडे का पोज है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो ये सारे पोज दिए गए हैं। तो ये गाइस मैंने रियली लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है कि बुद्धा जी के जो डे बाई डे के जो पोजेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ये योगा एंड मेडिटेशन टाइप लाइक ऐसा ये पोज बना के करते हैं। और मुझे इनका नहीं पता था इनका मीन क्या होता है, एक्चुअली वहाँ जाके मुझे पता लगा कि इनके जो पोजेस होते हैं वो डे के अकॉर्डिंग ही होते हैं। बट ठीक है, जब जैसे हम चीज़ें जाते हैं विजिट करते हैं नई नई जगह पर तो हमें ये चीज़ें पता लगती हैं। तो आप भी ये देखिए इस तरीके के स्टैचू डे का जो है वो इस तरीके से होता है, ये है सैटरडे और ये है यहाँ का थर्ड फ्लोर। और बेसिकली इसको प्रेयर रूम बोलते हैं जहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर अलाउड है कि आप आराम से बैठ के योगा मेडिटेट वगैरह करिए। और ये ग्लास के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन का पूरा स्टैचूज बना रखा है, सारे यहाँ पर डे बाई डे जितने भी स्टैचू हैं बुद्धा जी के वो अंदर बनाए गए हैं, वो थोड़े स्पेशल हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ फोर्थ फ्लोर पर। अब हम आ गए हैं यहाँ पर फोर्थ फ्लोर पर और मैं यहाँ पर आके हम जिस फीलिंग की मुझे ऐसा लग रहा है कितना अलग बनाया है ये म्यूज़ियम, पूरा ग्लास का है, ग्लास म्यूज़ियम ही कहलाता है ये पूरा। ये देख रहे हो आप, ये पूरा बना है अराउंड इस ग्रीन कलर, मतलब जो भी ये 3D तरीके का बनाया हुआ है म्यूज़ियम। रियली गाइज इट्स सच अ कूल प्लेस, वेरी डिफरेंट कि आप यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे टेम्पल से बिल्कुल अलग ये लग रहा है यहाँ पर आके। तो मुझे, मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर ज़रूर 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 आइएगा यहाँ पर, क्योंकि ये फेबुलस, इतनी अच्छी यहाँ पर ब्यूटीफुल जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग और यहाँ पर इतने सारे अलग चीज़ बनी थी विच इज़ वेरी कूल। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितना बोरिंग ना हो, ऐसा ना हो, बट रियली बहुत अच्छा बना है। एंड फ्रॉम द टॉप यू कैन सी मोंक्स, आप ऊपर तो देख ही सकते हो जो कि अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वन, कि यहाँ ज़रूर आइएगा, थोड़ी देर बैठिएगा और इसका पूरे नज़ारे इसका मज़ा लीजिएगा।
सो फाइनली गाइज अब हम आ पहुंचे हैं इस 5th फ्लोर पर। तो आप देख रहे हो इतना यहाँ से सुंदर नज़ारा मैंने शायद हिल्स या माउंटेन्स में भी देखा होगा। यहाँ बैंकॉक का सबसे अच्छी बात है कि वेदर और यहाँ का एनवायरनमेंट और जो सारी चीज़ें हैं यहाँ का वो बहुत अच्छा है, क्लियर है। आप जैसे कि स्काई देख रहे हो इस मतलब क्लियरली इतना ब्लू दिख रहा है। और यहाँ पर ये स्टेचू सामने, अभी हम पीछे की तरफ खड़े हुए हैं यानी कि जस्ट मैं बैक पर हैं, तो ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहा है। और उधर साइड में भी हम जाएंगे जहाँ बुद्धा जी का जो ये स्टेचू बना हुआ है। तो द इन साइड ऑफ दिस टेम्पल टू गाइज ऑन द 5th फ्लोर टू सी द सीलिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। आपको मैंने दिखाया कितना सुंदर लग रहा था, इस पार्क भी एकदम कम 3D स्टाइल में बनाया गया था। और 5th फ्लोर पर हम अदर जो टेम्पल्स देख रहे हो यहाँ पर, तो मतलब वो अलग ही तरीके के बने हुए हैं। ऊपर आपको एकदम फ्रेश एयर आपको मिलने वाली है। सो गाइज अब हम आ गए हैं बुद्धा जी की वो टेम्पल्स को देखने के लिए जो सबसे बिगेस्ट या फिर सबसे वेरी टॉल यहाँ का जो बुद्धा जी बने हैं यहाँ पर, तो वो हम देखने के लिए आ गए हैं। रियली गाइज इनक्रेडिबल स्टैचू ऑफ बुद्ध इज वेरी टॉल एंड बिग। मैंने आज तक बुद्धा जी की इतना बड़ा टेम्पल गोल्डन का नहीं देखा। तो ये है सबसे बिगेस्ट स्टैचू यहाँ बैंकॉक के अंदर यहाँ पर, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो बुद्धा जी की जो स्टैचू है, तो ये यहाँ पर मेडिटेशन के लिए जो यहाँ पर सबसे फेमस है यहाँ पर, कि बुद्धा जी जब किसी टाइम में आए होंगे तो वो ये स्टैचू यहाँ पर मेडिटेशन के लिए, मतलब वो आए हुए थे यहाँ पर। और एक उन्होंने पोस्चर बनाया हुआ है मेडिटेशन की, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। एंड इट्स टोटली मेड ऑफ प्योर कॉपर ऑफ 3 mm थिकनेस यहाँ पर, जो आप देख रहे हो गोल्डन टेम्पल। बट इट वॉज हैंडमेड विद द मेन एलिमेंट्स बीइंग की, मतलब कि द बेस जो विच इज़ जो नीचे की तरफ जो यहाँ पर जो डीप इनको बनाया गया है, जैसा बहुत जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर। तो इनको बताया था, इनका जो बेस है विच इज़ 32 meters डीप एंड 40 meters अक्रॉस एंड 6 meter हाई की जो इनकी ऊंचाई है। एंड लोटस बेस का बना हुआ है जिसपे ये बैठे हुए हैं एंड 6 meter हाई पर है ये। एंड इसको बताया गया है कि 57 meters के हाई पर है और 40 meters वाइड है, मतलब इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई मैंने आपको बताई हुई है। और फाइनल इज़ फिल्ड विद द पिंक लोटस, ये बैठे हुए हैं जिस पर। तो बहुत अच्छा है बुद्धा जी का टेम्पल, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड जो इसमें कास्टिंग की गई है पूरी गोल्ड की करी है। इसे वेट इस बता रहे हैं इसमें 6 kg यहाँ पर वेट है जो जो गोल्ड का है। बाकी तो मैंने बताया 32 meters जो डीप है वो अंदर से है इनका बने हुए हैं। टोन पूरा इनका जो है गोल्डन में दिया गया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो सैटरडे या संडे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रश रहता है। अभी यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। तो मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ का जो बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल बनाया गया है इसको। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया है वो मेडिटेशन स्टैचू है यहाँ पर, तो इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो आप प्लीज़ गाइस यहाँ पर ज़रूर आइएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बैंकॉक की सबसे खूबसूरत जगह है। वैसे बहुत सारे यहाँ पर आपको बार टेम्पल्स मिलेंगे, पर ये यहाँ का सबसे बिगेस्ट टेम्पल है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर बुद्धा जी के स्टैचू के जस्ट पास में ही आपको दूसरे और अदर टेम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे, जिस लाइक ऐसे ही आपको बने हुए हैं। बट ये बिगेस्ट टेम्पल है यहाँ आसपास, आप देखो और भी टेम्पल्स है। तो इसके लिए आपको अलंग द रिवर यहाँ पर ये राइट लेना पड़ेगा, इस तरीके की जो बोट्स वगैरह जाती हैं। विथ जस्ट अबाउट 10 to 20 बात यहाँ पर लगेगा। यू कैन बाय अ पैकेट ऑफ फिश, पैलेट फूड टू फीड फिश यहाँ पर, अगर आपको तो आप खरीद सकते हो अगर आपको फीड कराना है उनको। तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी मैंने बोला कि एक्सपीरियंस यहाँ का आने का जो यहाँ पर अगर आप आओगे तो वो एक अलग ही रहेगा आपके लिए। तो ये मैं दूसरी तरफ हम लोग बोट बाय बोट हम यहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके के स्टैचूज़ वगैरह आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर थोड़े से मिल जाएंगे यहाँ पर।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर कोई भी गाइड वगैरह आप यहाँ रखने का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आपको गाइड आपको लेना पड़ेगा या फिर वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप ही जाइए, यहाँ पर लोकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर। और वन बाय स्टेप स्टेप पे आपको सारे जो भी चीज़ें हैं हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप उसको ईजिली आपको रीड करके आप उसे पूरा मज़ा ले सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसी है, और पूरा मज़ा लीजिए। एंड यू हैव टू विजिट हेयर, नॉट हैव टिकट ओनली कम टू प्रे सी एट वाइट बिल्डिंग इन साइड हैव टू वेरी ओल्ड थिंग्स टू लुक। तो ये दिस इज़ इन ओनली बैंकॉक, तो आपको यही मिलेगा ये चीज़। और भी जगह हो सकती है बट हमने यहाँ पर इस फर्स्ट टाइम हमने देखा है पीपल कम टू प्रे देयर रिस्पेक्ट एंड मेडिटेट इन फ्रंट ऑफ बुद्धा जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, काफ़ी यहाँ पर ग्रेट स्टेचूज़ वगैरह हमने यहाँ पर देखी। तो ये बहुत सारे हैं, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा और पूरे मज़े लीजिए यहाँ पर हर एक चीज़ के। और ये काफ़ी चीज़ें देखिए चीज़ें, अब ये क्या है टेम्पल, एक वर्किंग टेम्पल है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन काम चलता रहता है, रेनोवेटेड होते रहते हैं, म्यूज़ियम में काम चलता रहता है, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स स्टफ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें आप देख सकते हो, बच्चों को भी अच्छा लग सकता हो सकता है इज़ ऑल्दो कि थोड़ा सा बोरिंग हो उनके लिए, तो क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। गोल्डन बुद्धा जी का स्टैचू देख के थोड़ा सा मज़ा उन्हें लगता भी है, जैसे बनी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो